हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी रोज वैली पीड़ित निवेशकों का। हमारे स्ट्रीम न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। एक लंबे अंतराल से हमारे पास आपकी कंपनी के निवेशकों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें रोज वैली की कुछ जानकारी दीजिए। तो दोस्तों आज आपके लिए जानकारी लेकर बंदा हाजिर है। तो दोस्तों आपसे हमारा अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों पूरी न्यूज़ क्या है आइए बताते हैं। रोज वैली चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने अब तक आईपीएस अफसरों से पूछताछ की है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अधिकारी रजा आरोपी नहीं है, लेकिन अब रोज वैली समूह ने कथित रूप से वित्तीय नियमितताएं की थी अनियमितताएं की थी। अब उनके बतौर सीआईडी अधिकारी क्या भूमिका थी दोस्तों, ये सब आपको हमें बताना है। और ये भी आपको बताया जाएगा कि इस वक्त जो घटनाक्रम रोज वैली मैटर पर चल रहा है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर क्या है ये हम आपको फिर बताते हैं। कोलकाता जांच ब्यूरो सीबीआई ने करोड़ों रुपए के रोज वैली घोटाले में जांच के सिलसिले में उपायुक्त बंदरगाह कवार रजा में सोमवार को पूछताछ की। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि आईपीएस अधिकारी रजा आरोपी नहीं है, लेकिन अब रोज वैली समूह ने कथित रूप से वित्तीय अनियमितताएं की थी, तब से उनकी बतौर सीआईडी अधिकारी क्या भूमिका रही। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि इस मामले में उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए उन्हें यहां सीबीआई सीजीओ परिसर कार्यालय में तलब किया गया था, जहां पर उनसे काफी पूछताछ की गई। और जो पूरी जानकारी निकलकर इस वक्त हमारे सामने आई है वो ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अनुसार इस समूह के निवेशकों ने 15 करोड़ रुपया का चूना लगाया था, जिसमें ब्याज और जुर्माने की राशि को शामिल किया जाए तो कंपनी के निवेशकों के प्रति अपनी देनदारी को दबाने के लिए अपनी सहायक कंपनियों में निवेश कराने का आरोप है। 2,300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है दोस्तों। अब तक केंद्रीय एजेंसी 2015 से समूह के अध्यक्ष गौतम कुंडू को गिरफ्तार किया था और होटलों और रिसॉर्ट समेत 2,300 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। सीबीआई इस घोटाले की जांच के तहत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और बंगाली फिल्म उद्योग के कई कलाकारों से पूछताछ की जा रही है दोस्तों। ये बड़ी न्यूज आपको स्ट्रीम न्यूज चैनल से दी गई है। अगर आपको जानकारी पसंद आए और अगली जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल, धन्यवाद।